सो हे गाइस, वेलकम बैक टू डेरिक्स ब्लॉग्स। और अभी सुबह सुबह हम लोग चाय पी रहे थे एंड कल का जो हमारा ब्लॉग आया उस पर इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स आया आप लोगों का दैट वी आर सो ओवरवेलम कि हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग तरीके से आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो वी डिसाइडेड कि हम आज ब्लॉग करते हुए सबसे पहले जितने लोगों ने हमें कमेंट किया उसमें से जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं वो सारे अच्छे लगे हैं बट जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे ऑल वे गुड बट इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे कमेंट्स करें। वेल हमने रिप्लाई तो कर सबको किया है बट कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे दिल को छुए एकदम हमारे। कल का दिन हमारे लिए थोड़ा बहुत डीमोटिवेटिंग था, थोड़ा सैड हो गए थे हम कुछ रीजंस की वजह से बट जब ये व्लॉग आया उसके बाद जो कमेंट्स आए ना मतलब हमने सोचा नहीं था बना दिया। हमने सोचा नहीं था शाम बना दी। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसे मतलब इतनी इम्पोर्टेंस देते हो, आप व्लॉग्स को देखते हो, कनेक्ट कर पाते हो। ऐसा है कि हमारे सामने एक वो लोग हैं जिनको हम कभी फेस टू फेस मिले नहीं है बट हमारा जो कनेक्शन उनके साथ है ना वो फेस टू फेस से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। व्लॉग ना आए तो वो लोग ऐसे होते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे पर इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आते हैं कि आपकी तबीयत ठीक है, आप ठीक हो। उसके बाद अभी तो एक वो वाला देखा था कि मैंने एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो उसके नीचे चार पांच लोगों ने मी टू फिर मैंने भी कर दिया मी टू। एक कमेंट है @SoumyaSharma4725 थैंक यू फॉर दीज वीडियोज, इट लिटरली रिड्यूसेस माय एंजाइटी अ लॉट। आल्सो कैन यू सजेस्ट बुक्स फॉर 5th ईयर ऑल सब्जेक्ट्स। तो 5th ईयर में जो है तीन सब्जेक्ट हैं, क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोएपिडेमियोलॉजी और फार्माकोकाइनेटिक एंड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। और इन तीनों के लिए बुक्स मैं देख लूँगा। वैसे मैंने ज़्यादा बुक्स से नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने पेपर्स, आर्टिकल्स, ठीक है, नई सब चीज़ें जो है ना जो ऑनलाइन चीज़ें हैं सारी वहाँ से पढ़ा था हमने, तो वहाँ से हमको बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिली थी। ठीक है, तो आप अभी स्टार्टिंग में ऑनलाइन से पढ़ना शुरू करो। स्लाइड शेयर एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे इस तरीके से, और एक फार्मडी ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड दी आर्ट गैलरी 1031, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, इंटर्नशिप पे कितनी मनी मिलती है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। एक चीज कम से कम हर एक दूसरा कमेंट जो था ना वो यही था कि इंटर्नशिप में कितना पैसा मिल रहा है, कितना स्टाइपेंड मिल रहा है, कितना मनी मिल रहा है। और सबको हमने ये बोलते हुए बहुत हमें दर्द हुआ कि हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा, और जहाँ तक है कि शायद कुछ भी ना मिले हमें इंटर्नशिप में, तो अभी तक का तो यही सिनेरियो है। लास्ट है @QueenRock3835, हेलो, आपको स्टेथोस्कोप यूज कर देख डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग। तो डॉक्टर वाली फीलिंग नहीं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमको काम भी डॉक्टर्स की तरह करना चाहिए, और बहुत सारा काम होता है धीरे धीरे करके हम बताएंगे अपने व्लॉग्स में कि काम कैसे कैसे हैं, और एक काम को हम एक्सप्लेन भी करेंगे बहुत ही तरीके से। ठीक है प्रज्ञा, एक कमेंट जो था ना वो रह गया है, एक कमेंट जो मैंने बोला था कि प्रज्ञा ये कमेंट, मतलब इस कमेंट ने तो मेरे को थोड़ा इमोशनल कर दिया था, तो प्रज्ञा वो वाला कमेंट प्लीज एक बार, हमने तीन सोचे थे बट कोई नहीं, वो कमेंट मेरे लिए। सो ये है @CreativeGirls884 का, ऐसे चैनल्स को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं यार जो यूजलेस ब्लॉग्स बनाते हैं, उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, बट कोई नहीं, आपका भी चैनल इम्प्रूव हो रहा है इंशाल्लाह, और प्लीज आप ऐसे ही हमको फैमिली के बारे में बताते रहो। sure. ये वाला कमेंट, हाँ ये वाला कमेंट जो था ना वो मतलब मैंने प्रज्ञा को जैसे ही आया मैंने बोला प्रज्ञा एक कमेंट जो है ना वो मतलब एकदम तहलका मचा रहा है, तो थैंक यू आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। अभी हम लोग फटाफट से हो रहे हैं रेडी, अभी चाय पी रहे हैं और जाएंगे हॉस्पिटल और काम शुरू करते हैं। चूँकि मुझे ड्यूटी ख़त्म, लंच हो चुका है अभी, और आज मैंने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा केस देखा, आपको समझाऊंगा अभी प्रज्ञा के साथ समझाऊंगा, मैं बताऊंगा कि क्या केस था, और मज़ा आया काम करने में। बहुत सारे पेशेंट्स नए जो हैं वो बढ़ते हुए हैं, तो उनका जाके फटाफट से सारा हिस्ट्री लेना, कौन सी दवाई चलानी है, कैसे चलानी है, दवाई मेडिसिन ऑर्डर करना, बेसिकली बहुत सारे काम होते हैं वार्ड में। और नर्सिंग स्टेशन में जो नर्सेज होते हैं वो भी बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, तो उनका थोड़ा सा यू नो हमें काम आसान कर देना चाहिए, है ना, डॉक्टर्स का भी काम आसान कर देना चाहिए। थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है कि कौन सी मेडिसिन कैसे है, कोई मेडिसिन नहीं होती है उसको फटाफट से मंगवाना, जल्दी से पेशेंट को देना, बहुत सारे काम होते हैं वार्ड में। और सबसे इम्पोर्टेंट कि डायग्नोसिस के हिसाब से पेशेंट को वो ड्रग्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ठीक है, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी ऑब्वियसली बात है लोग काम कर रहे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसमें जितने लोग जाके रिव्यू करेंगे उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट के लिए भी। सबसे इम्पोर्टेंट था कि आज कम से कम मैंने 5-6 लोगों का हिस्ट्री लिया होगा। पेशेंट होता ये है कि पेशेंट आया और नीचे से उसने पर्ची बनवाई, तो उसमें उसने बताया कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम्स, वो पर्ची और वो फाइल, वो सारी उसकी फाइल बन जाती है। उसके बाद वो पेशेंट आता है वार्ड में, वार्ड में जैसे कि मैं गया तो मैंने उसकी हिस्ट्री लेनी शुरू करी कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और सबसे पहले मैं जो चीज़ें नीचे लिखी जाती हैं कि हाँ पेशेंट को ये प्रॉब्लम थी, इसके चक्कर में ये भर्ती हो रहे हैं, वो उसको देखते हुए उसके हिसाब से हम चीज़ें पूछना शुरू करते हैं पेशेंट से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद हम एक हिस्ट्री पूरी बनाते हैं पेशेंट की, सब कुछ देखकर, उसके हार्ट साउंड वगैरह हर चीज़ पूछते हैं, मतलब एवरी थिंग शुड बी आस्क्ड। बाद हम एक प्रोफेशनल डायग्नोसिस बनाते हैं, मतलब डॉक्टर से कंफर्म करवाता हूँ कि जो मैंने हिस्ट्री लिया है वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि मेरा लर्निंग फेज है ना, अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है मुझे ये काम करते हुए, बट जो भी मैं करता हूँ डॉक्टर्स के साथ मिलकर उनसे कंसर्न करके हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को भी, ठीक। सो हाउ इज़ योर डे प्रज्ञा? इट वाज वेरी बिजी, एग्जॉस्टिव, थका देने वाला, मतलब आई एम लिटिली डाइंग इनसाइड। आज हमारे वार्ड में एक केस आया था, उस पेशेंट का अगर तुम टच करोगे ना कोई भी बॉडी पार्ट, पूरी बॉडी उसकी एकदम, उसकी स्किन जो है इतनी टाइट हो चुकी है ना, इतनी टाइट कि तुम टच करते हो फील हो जाएगा कितनी स्किन टाइट हो गई है उस पेशेंट की। तो उस पेशेंट की स्किन इतनी टाइट है तो उसको स्किन स्क्लेरोसिस है, ठीक है, जिसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं स्किन की हीलिंग के लिए, वो सारे जो होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं, फिर काम अच्छे से नहीं करते, स्किन बहुत टाइट हो जाती है। पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम थी और उसको 1.5 साल से प्रॉब्लम है, उसकी उंगली ऐसी हो गई, उसकी उंगली ऐसी भी नहीं हो पाती है, पता है? है मैं बोल रहा हूँ ना, स्किन टाइट हो गई है, तुम हमसे अपने उंगली ऐसे हाथ मूव कर रहे हैं ना, नहीं कर सकता वो पेशेंट, सोचो इतना प्रॉब्लम है उसको, उसका फेस अगर तुम टच करोगे ना तो उसका मुंह इतना ही खुल पाता, देखो बस ज़्यादा नहीं खुल सकता उसका मुंह, तो उसको बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी मैं आज उसका पढ़ूंगा कि उसको क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये मेरा सबसे अच्छा, मतलब आज का जो बेस्ट केस था वो हमने ये देखा। फिर 5-6 पेशेंट का हिस्ट्री लिया क्योंकि नए नए पेशेंट्स आए हैं अभी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, और मैंने जो बताया था केस उसमें मैंने एक चीज़ गलत बोली है, वो है स्किन स्क्लेरोसिस। अब सही बोला ना प्रज्ञा? हाँ, तो मेरे को प्रज्ञा ने बोला कि ये आई थिंक ये नहीं जो तुम बोल रहे हो, तो फिर मैंने देखा अभी व्लॉग में, तो मैं वहाँ पर करेक्ट कर दूंगा जो करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। और तो मतलब अच्छा रहा, बढ़िया रहा। और एक चीज और जो निवेश भी बोलना चाह रहा था, हाँ, भूल गया। हाँ, जो मैं भूल गया, हाँ, कि हम लोग जैसे हमने बताया कि हम लोग पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ लोगों को, तो जितने भी फार्मडीज हैं वो भी चाहेंगे कि हम भी सब चीज़ें करें, तो उसके लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि हम लोग जैसे मैं हिस्ट्री लेता हूँ तो मैं एक डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर हिस्ट्री लेता हूँ, जिससे कि, और जब भी हिस्ट्री लेने के बाद मैं उनसे रीचेक करवाता हूँ, क्रॉस चेक करवाता हूँ, जब तक वो अप्रूवल नहीं देते हैं तब तक मैं उस हिस्ट्री को फाइल में नहीं लगाता हूँ, ठीक है। और पहले तो मैं स्टार्टिंग में उनसे पहले परमिशन लेता हूँ कि मैं हिस्ट्री लेने जा रहा हूँ, उस पेशेंट की हिस्ट्री नहीं है, जब तक वो अलाउ नहीं करते तब तक मैं नहीं जाता हूँ। जिससे कि क्या होता है कि आप सुपरविजन में जब काम करते हो तो आपको गलती करते तो वो दूसरा चेक कर लेता है और सही हो जाती है, हाँ, क्योंकि आप अगर खुद से सब चीज़ें करोगे तो यू नो आपको पता नहीं कभी कब कहाँ गलती हो जाए, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप किसी से, किसी डॉक्टर से परमिशन लें, उनके साथ रहें, या फिर आपके सीनियर साथ में हो, आपके कोई आपके साथ होना चाहिए जब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है, क्योंकि हिस्ट्री लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और जितने भी लोग बोलते हैं कि स्टेथो ज़रूरी नहीं है फार्मडीज के लिए, हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि विदाउट हिस्ट्री आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं है कि क्या है, तो मेडिसिन जान के क्या ही कर लोगे आप, है ना प्रज्ञा? तो मेडिसिन जानने के लिए, मेडिसिन देते वक्त आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए उस पेशेंट की, कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। टॉयलेट हो रहे हैं इसलिए भी हम फटाफट जा रहे हैं। अभी हम लोग कुछ खाने गए हुए थे क्योंकि सुबह से कुछ ऐसा चटपटा खाने का मन हो रहा था, और फिर मेरे को अचानक से याद आया एक इंसिडेंट हुआ अभी मेरे साथ हॉस्पिटल में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो बहुत फनी था। हुआ ये कि एक पेशेंट थी जुमला करके, एक्स वाई जेड पेशेंट, जो भी पेशेंट थी, सॉरी पेशेंट था, एक पेशेंट था,
तो उसका सिटी करवाना था, तो हुआ ये कि कोई स्टाफ वगैरह था नहीं, वो कोड ब्लू के पास सब बिजी हो गए थे, तो डॉक्टर ने बोला, पीजी रेसिडेंट ने बोला कि अगर आप फ्री हो तो आप जाके थोड़ा देख लेना। तो मैं उनको लेके गई, तो उनसे चला नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने कहा कि लिफ्ट से चल लेते हैं, क्योंकि बेसमेंट में जाना था, तो थर्ड फ्लोर से बेसमेंट जाना था। तो हम लोग घुसे, फिर सेकंड फ्लोर पे पूरा लिफ्ट फुल हो गया था। फिर अचानक एक व्हीलचेयर पे एक पेशेंट आती है थर्ड फ्लोर पे, तो उसने बोला, जो स्टाफ वार्ड बॉय था उसने बोला कि हटो हटो हटो, इसको जाने दो क्योंकि पेशेंट है ये। तो फिर मैंने बोला कि अरे स्पेस नहीं है। फिर जैसे जैसे स्पेस बना तो वो अंदर आया लेके उस पेशेंट को, तो मैंने देखा कि वो पेशेंट ने घूंघट कर रखा है और चाकू ले रखा है। मेरी जो हालत खराब हुई, मेरे को लगे कहीं सामने आगे ही एकदम मेरी जस्ट सामने उसका व्हील चेयर आ गया, और मेरा ध्यान वही है कि ये चाकू लेके, और वो चाकू पूरा ऐसे पोजीशन में ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे था। तो ये पक्का तुमने सब इमेजिन तो नहीं किया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कोई भूत भूत आ गया नहीं नहीं, ऐसा कुछ वो लेके फिर कुछ नहीं नहीं नहीं, ज्योति ने भी देखा। फिर भाई मेरी जो उस टाइम हालत खराब हुई ना, लिफ्ट जैसे बंद, मैं नहीं 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 नहीं, मैं निकल रही हूँ बाहर, मैं स्पेस बना रही हूँ, मेरे को निकल दो। मैं निकली, मैंने ज्योति को निकाला बाहर, उन दोनों पेशेंट को निकाला, और फिर हम उनको मतलब उनसे चला नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने बोला नहीं बस एक फ्लोर और है, नीचे चल लेते हैं। पे आ जाए तो सबको चला देती है। मतलब मेरे को इतना डर लगा कि क्या पता लिफ्ट बंद हो और वो अगर खड़ी मतलब हो जाए, घूंघट उठा के बोले और हाँ भाई, और बेटी पुष्पा कुछ प्रॉब्लम तो किसी को मार भी सकता, हाथ लेके गेम खेले वो कुछ भी हो सकता है। तो घूंघट कर रखा था तो दिखा भी नहीं कि पेशेंट कौन है, और सिर्फ चाकू दिख रहा है, मतलब भाई बहुत मतलब। और अभी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश हो रही है, थोड़ा अच्छा मौसम हो जाएगा, वरना इतनी इतनी गर्मी ना, मतलब दोपहर में आते वैसे मौत सी आती है ना, इतनी गर्मी, बट अभी मौसम अच्छा लग रहा है बहुत। So that's it for today, आज का दिन बस इतना ही है।